होली का मौसम है, गंगा घाट पर फागुन की बयार बह रही है, तो फाग का रास रंग और इसमें सुरों के गुब्बारे भी फूट रहे हैं। तो ऐसे में हम तो बस यही कहेंगे कि बुरा ना मानो, होली है और ये लोक संस्कृति की रंगोली है। अरे होलिया में मन बउराइल हो, अरे होलिया में मन बउराइल हो, बुद्धि होई गइल ढीला, होलिया में मन बउराइल हो, बुद्धि होई गइल। शर्मसार है सोच पे उनके सत्य सनातन धर्म, शर्मसार है सोच पे उनके सत्य सनातन धर्म, सत्ता के लोभी प्रसाद का समझे तुलसी मर्म, बोला हाइरे हाइरे हे हा सारा रा रा तो गिरा सारा रा। तो श्री रामचरित मानस हम लोगों के लिए क्या है कि प्रेम दया करुणा का सागर राम नाम सुखदाई, प्रेम दया करुणा का सागर राम नाम सुखदाई, प्रेम दया करुणा का सागर राम नाम सुखदाई, अद्भुत कवि तुलसी की रामचरित मानस है दवाई, बोल हाय रे हाय रे हा। होली आई रे होली, होली आई रे होली आई रे। और श्वेता के पास वापस चलते हैं। श्वेता, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर जो रंग गुलाल इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो ठेसू के रंगों से, ठेसू के फूलों के जरिए बनाया जा रहा है, विच इज ऑर्गेनिक। और तो मुझे ये बताइए कि लोगों से वहां पर बाकायदा अपील की गई है कि आप केमिकली यूज्ड रंग यहाँ पर इस्तेमाल ना कीजिए, सिर्फ इन्हीं रंगों का प्रयोग कीजिए, तो ऐसा है क्या वहां पर? आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत मुश्किल से हमने यहाँ पर जगह बनाई है, और मैं आपको बताऊं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एक तरह से टोकरियां रखी गई थी फूलों की ढेर सारी, और कोशिश यही की गई है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक और हर्बल होली जो है वही खेली जाए। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ गोस्वामी जी से बात की थी और उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ कान्हा जो अपनी गोपिकाओं के साथ होली खेलते हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से बनी होती है, और हम उनसे भी आग्रह और अनुरोध करते हैं कि जब वो कान्हा के साथ होली खेलने आए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांके बिहारी मंदिर में जो श्री कृष्ण विराजमान है, श्री हरि विराजमान है, वो एक नन्हे से बालक के रूप में विराजमान है, तो उनको, उनके चेहरे को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका ख्याल भी यहाँ पर मौजूद जो गोस्वामी परिवार होता है वो पूरी तरह से रखता है। इसीलिए श्रद्धालुओं को भी ये हिदायत रहती है कि अगर आप यहाँ होली खेलने कान्हा के साथ आ रहे हैं तो जो अच्छे रंग है, यानी कि जो प्राकृतिक रंग है, उन्हीं रंगों का आप इस्तेमाल करें, फूलों का आप इस्तेमाल करें। इसीलिए यहाँ पर आज जो आप होली की शुरुआत होगी तो वो आपको बता दें सबसे पहले फूलों से होगी और टेसुओं को फूलों से, सही में टेसुओं और कई सब्जियों के को के रस से बिल्कुल श्वेता रंग बनाया जाता है। क्षण का हम इंतजार भी कर रहे हैं। श्वेता रहिए हमारे साथ क्योंकि वो रंग हमें बहुत ही जल्द नजर आने वाला है। तो श्वेता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है।